अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय दोस्तों, अलेप कजी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सब देख सकते हैं मटन कबाब पीस रहे हैं, मटन कबाब पीस रहे हैं, ऑलमोस्ट काटिंग करके इधर लेके आ गए हैं। अभी पीस रहे हैं मशीन में, देखें कितना नाइसली पीस रहे हैं। इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली कोरिएंडर लीव्स और मसाला में साल्ट है, जीरा पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है और टेंडर है और इसमें चिल्ली पाउडर है, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर है। मिक्स कर लिया ऑलरेडी, अभी पीस रहे हैं और देखें कितना नाइसली पीस रहे हैं। सेकंड राउंड अभी आप सब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। अलेप काजी चैनल आप लोगों के लिए नए नए खाना लेके आता रहूँगा। अभी देखें मटन कबाब ऑलरेडी पीस लिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर हम खम्बी में लगाएंगे, लगा के उसको हम बारबेक्यू मशीन में रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके खा के आप लोग को दिखाएंगे। ऐसा पीस लेना, या तो मिक्सर है तो मिक्सर में पीस लेना, या तो चापर है तो चापर में चॉपिंग कर लेना। अभी मिक्सिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अभी हम सीख में लगा रहे हैं। अभी देखें सीख में लगा रहे हैं, थोड़ा सा पानी ले लें, पानी लेके हल्का हाथों से, थोड़ा हाथ भीजा रहेगा तो आराम से आप लगा सकते हैं। देखें सीख में लगा रहे हैं, ऐसा हल्का हाथों से लगाएं, बहुत ही अच्छा होएगा। अभी देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त कबाब बन के रेडी होएगा। और कभी भी मटन कबाब या बीफ कबाब बनाने का टाइम में थोड़ा सा चर्बी ऐड करें, चर्बी ऐड करेंगे तो ऐसा नाइसली कबाब बनेगा चर्बी। अभी ये हम बनाए हैं 10 किलो कबाब है, उसमें आप 750 ग्राम मटन का जो फैट है वो डाल सकते हैं। अभी देखें कितना नाइस पकड़ लिया सीख में। अभी थोड़ा उल्टा है, घुमाना चाहिए नहीं तो गिर जाएगा। स्लो फायर में रोस्ट करेंगे तो सॉफ्ट बनेगा। ये बटर है, थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे। अभी फ्रिज को दिखाते हैं, ये अल्फम का स्टिक है, अल्फम का स्टिक, अल्फम फुल चिकन लगाने के लिए स्टिक है। और ये फ्रिज में अभी क्या क्या सामान रखे हैं आप सब देख सकते हैं। ये है चिकन टिक्का, ये है विंग्स है, ये मटन टिक्का लगा के रखे हैं। और मटन टिक्का देखें, ऑनियन भी लगाना चाहिए। ये विंग्स जो है येलो कलर का बनाया है। और ये है चिकन कबाब लगा के रखे हैं, ये रेस्टोरेंट में सेल्स अच्छा है इसलिए लगा के मटन कबाब। उसके बाद में ये डिश में देखें, पूरा डिश सब फुल है, ये डिश सब फुल है। और ये मटन चॉप्स है, चॉप्स मटन का चॉप्स है। और ये जो है यानी कि प्रॉन्स बारबेक्यू प्रॉन्स है। अभी देखें रोस्ट होके आ गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया, कलर देखें कितना नाइस, कितना सॉफ्टी बना है। आप लोग खा के ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े बनेगा। 10 किलो में 3 स्पून साल्ट दे दें, चिल्ली पाउडर 3 स्पून दे दें, टर्मेरिक पाउडर 1 स्पून दे दें, जीरा पाउडर 3 स्पून दे दें, गरम मसाला 1.5 स्पून दे दें और कोरिएंडर पाउडर 1.5 स्पून दे दें, गार्लिक 500 ग्राम, जिंजर 100 ग्राम, कोरिएंडर लीव्स 50 ग्राम, ग्रीन चिल्ली 50 ग्राम दे दें, टेंडर 1 स्पून दे दें, 1 टेबल स्पून दे दें। बहुत अच्छी तरीके से पकेगा। अभी देखें टेस्ट कर रहे हैं, कितना निकाल लिए, अभी टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा है, सुपर है, सुपर सॉफ्ट एंड टेस्टी, सुपर सॉफ्टी है। माय फ्रेंड लुक इट, बहुत अच्छा बना है। आप लोग जरूर 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 बनाएं, ऐसे बना के खा के देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। अल्फम करें, कभी भी
बारबेक्यू में कोयला जो है चारकोल में रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये है तारा मोंतिना NSF का नाइफ है, मेड इन ब्राज़ील। हाँ, अगर हो सकेगा तो ये नाइफ आप यूज करें, बहुत ही अच्छा है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बाय। सुपर।